नमस्कार, मैं हूं आरके निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। जैसे कि बता दूं, आज नए साल का पहला दिन है, यानी कि नव वर्ष 2023। तो नव वर्ष 2023 के उपलक्ष में आज मैं मौजूद हूं प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ तस्वीरों में कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर यानी कि नया साल 2023 को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में ही हमारे साथ एक भाई हैं और इनके हाथ में एक बोर्ड है, जरा नीचे करें, यह देख सकते हैं। और इसमें लिखा क्या है मैं बता दूँ, क्या कोई लड़की मेरी GF बनना चाहेगी। तो ये कुछ इस तरह से एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में, इस तरह से एक दफ्ती में ये लिख करके जो है यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ से आने जाने वाली जितनी भी लड़कियाँ या हैं, जो युवा लड़कियाँ हैं, उनको दिखा कर जो है उनका ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं कि क्या कोई मेरी GF बनना चाहेगी, यानी कि गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। तो अभी हम इनसे मिलाते हैं कि दरअसल ये बात इनके दिमाग में आई कैसे, इन्होंने सोचा कैसे, और इनके इस कारनामे के पीछे का उद्देश्य क्या है, और इनके पास कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, या फिर बनाना चाहते। तो आइए इनसे पहले बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी कहाँ से हैं? जी मैं प्रयागराज जलवा से हूँ। इसको दफ्ती जरा नीचे करें, ऐसे करें, थोड़ा दिखाई भी दे। हाँ, कहाँ से हैं विशाल जी? जलवा से। जलवा से जी। आज यहाँ पर आप नया साल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे? जी, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। और ये जो आपके हाथ में ये दफ्ती मैं देख पा रहा हूँ, और इसमें लिखा है क्या कोई लड़की मेरी GF बनना चाहेगी, इसका उद्देश्य? उद्देश्य इसका कुछ नहीं था, मैं वैसे बता दूं, मैं सिंगल हूँ, चाहता हूँ कि बने। अच्छा, लड़की? जी, चाहता हूँ कि गर्लफ्रेंड हो। क्या है ना, कभी कभी फील होता है बहुत ही अलोन सा, तो जो बातें हम अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, तो वो लगना चाहिए कोई है, ऐसा होना चाहिए ना लाइफ में जिससे हम शेयर कर सकें। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत बस, बाकी मैंने इसलिए इसको लिखा था कि आजकल लोगों की लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस है, तो मेरा एक पॉजिटिव वे था, चाहे गर्लफ्रेंड बने ना बने, बट लोग जब इसको देखें तो एक चेहरे पे उनके स्माइल आए, तो उनकी स्माइल से मेरे को खुशी मिलेगी। क्या बात है। इसी के लिए। और विशाल जी अभी तक कोई मिली है? थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं, यहाँ पर देख लीजिए कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है। बता दें कि लोगों को काफ़ी ताता, काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि ये भाई, इनका नाम विशाल है, ये यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए इस समय। और बता दें कि ये प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज पर इस वक्त मौजूद हैं, इनके हाथ में ये दफ्ती। और जैसा कि इनसे हमने जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, अपने मम्मी पापा से मैं इस बात को शेयर नहीं करना चाहता, और दफ्ती के माध्यम से। और ये कपड़े कम पहने हुए, इनको कभी भी लग रही, थोड़ी ठंड भी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी मुझे लग रही है, ठंडी मुझे लग रही है, कपड़े या फिर ठंडी लग रही है? नहीं, ठंडी लग रही है, डर नहीं है, डर किस बात का, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। तो अभी तक कोई मिली नहीं? मिली तो कोई नहीं है। तो क्या लगता है, कोई मिलेगी? मिलेगी, और अगर मिलेगी तो मैं बता दूं भाई, मैं बंदा बहुत अच्छा हूं, टैलेंटेड हूं, मैं पेशे से रैपर हूं, एक स्टेज परफॉर्मर हूं मैं। रैपर हैं आप? जी, मैं एक रैपर हूं। जोरदार तालियां एक बार इस बंदे के लिए। क्या बात है, क्या बात है, ये एक रैपर है भाई। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आए, और आगे आकर अभी इनसे हम आप लोगों को सुनाने का काम करते हैं, कैसी रैपिंग करते हैं। बता दें कि इन्होंने खुद बताया कि ये एक रैपर है, और अभी सुनते हैं क्या अनोखा निकलता है इनके मुखारबिंदु से। बताएं, सुनाएं एक कोई अच्छा सा रैप। ओके, तो मैंने ये लिखा था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, एक्स के लिए, वो मुझसे काफ़ी खफा खफा रहती थी जी। तो गाइस, रैप सुनना है कि नहीं? ओके ओके ओके, साइलेंस साइलेंस। तो मैंने कुछ लाइंस लिखी है, वो अपनी एक्स के लिए लिखी थी, मैं सुनाना चाहूँगा। लाइंस कुछ ये है, हाई फाई मैं तो करता फ्लाई, अब तुझे देख मेरा दिल क्यों ये बड़बड़ाए, पर तू क्यों करती क्राई, क्यों मुझसे दूर जाए, जब भी तेरे पास आना चाहूँ तू भड़कती काए, ये अच्छा पिला नू तुझे कोका कोला, ठंडा करूँ सारा गुस्सा जो भी मुझ पे हो रहा, मैं तो हूँ बंदा भोला, आकर्षित तुझ पे हो रहा, मेरी खाटू एटीट्यूड मुझको मैं दिल्ली का छोरा। बात है, ये आप सुन सकते हैं, विशाल जी ने एक बढ़िया सा रैप सुनाया, और अभी सुनवाते हैं। और अब फिलहाल अभी हम थोड़ा सा मेन रोड पर खड़े हैं, जैसे कि बता दूं अभी मैं उस पार चलता हूं फुटपाथ पर, और उधर इंटरव्यू करता हूं, क्योंकि यहां पर जो आने जाने वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तभी हम उस पार चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फुटपाथ पर, और यहां पर कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। बता दें कि यहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। बता दें कि आज नया साल भी है, नए साल का पहला दिन है, और इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत करवाऊँ, तो मैं भी आप लोगों को नव वर्ष 2023 की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं
विराम ना देना चाहता हूँ और फिर इनसे बातचीत करते हैं, कोई दूसरा रैप सुनाते हैं। और जैसा कि निरंतर पहले आप इनकी दफ्ती पर फोकस करें, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ये, क्या कोई लड़की मेरी जीएफ बनना चाहेगी, कोई लड़की इनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी, अगर बनना चाहे तो इनसे बताएं, है ना, यही चाहते हैं विशाल जी। इस अनोखे अंदाज के पीछे क्या राज है, कुछ बताएं। मेरा राज खुल के राज कुछ बड़ा नहीं था, जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं मेरे जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आए, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम वीक होने के कारण वो नहीं हो पाता, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें डिफरेंट, लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, अट्रैक्शन बढ़े, तो ये अट्रैक्शन के लिए भी था, और जो लोगों के चेहरे पे स्ट्रेस होता है उसको देख करके, इसको पढ़ करके एक स्माइल आएगी, वो मेरा मोटिव था। हलवा से हैं आप, हलवा से? कोई नया रैप सुनाए? रैप तो नहीं है, हालांकि पैसे की तंगी है क्योंकि आर्टिस्ट के साथ अगर होता है। अगर आप कुछ लाइन है मैंने सुनाऊंगा जी, ये गाना है और हर लड़की चाहती है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड या पति शाहरुख खान हो। जी जी, तो मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी। सुनाए। माना कीजिए मैं पैसा नहीं पर प्यार तो बहुत है ना, मेरे दिल में तेरे अरमानों की जगह तो बहुत है ना, थोड़ी मासूम सी थोड़ी क्यूट सी लगती है तू मुझे, चल मान जाना मेरी बात, आई लव यू मेरी जान, मैं तो तेरा शाहरुख खान, आई लव यू मेरी जान, मैं तो तेरा शाहरुख खान, छोटू थोड़ा ऐसे हो जाए, मेरी जान, मैं तो तेरा शाहरुख खान, आई लव यू मेरी जान, मैं तो तेरा शाहरुख खान। क्या बात है। अच्छा एक एक बार मैं दर्शकों से जानना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर गैस मौजूद हैं, कितनी ज्यादा आप लोगों को इनका अंदाज पसंद आया, तालियों के माध्यम से बताएं। 101% इनका अंदाज अच्छा लगा हम लोग को। कहाँ से हैं आप? करछना, रामपुर। करछना से हैं जी, यहाँ पर है नया साल मनाने आए जी सर। यस यस, कैसा लगा है इनका ये अंदाज? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहना टाइप के, दिल गाजर गाजर हो गया। क्या बात है। तो निरंतर मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बता दूं कि इस वक्त मैं प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज पर मौजूद हूँ, और बता दें कि आज साल का नया दिन है, यानी कि आज से नया वर्ष 2023 का आरंभ हुआ है। तो कुछ इस तरह से लोग नए वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त न्यू यमुना ब्रिज पर मौजूद हैं। तो वैसे में ही यहाँ पर एक भाई साहब दिखाई दिए, इनका नाम विशाल है और ये झलवा से हैं। इनके हाथ में ये एक दफ्ती थी जी, और इसमें इन्होंने लिख रखा है क्या कोई लड़की मेरी जीएफ बनना चाहेगी, और साथ ही इन्होंने हमें रैप सुनाया और उसके साथ ही एक गाना भी इन्होंने सुनाया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग मौजूद हैं, बता दें कि इनको देखने के लिए और इनके पास पहुँचने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। बता दें कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, तो ऐसे में ये यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर लोग बाग इनकी जो इनका जो नया अंदाज है उसको देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है विशाल जी। और कुछ बोलना चाहेंगे विशाल जी? बस यही कि यार खोज जारी है मेरी, एंड खोज जारी रहेगी। हाँ जी, खोज जारी रहेगी, और आज का दिन वाकई में मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। खोज कब तक जारी रहेगी विशाल जी की? जब तक मिल नहीं जाती। जब तक कोई जीएफ मिल नहीं जाती तब तक विशाल जी की खोज निरंतर यूं ही जारी रहेगी। और कैमरा मैन से कहेंगे एक बार कैमरा घुमा के अवलोकन करवाएं, देख सकते हैं आप इधर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। शोर मचाओ थोड़ा, ये आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं ये न्यू यमुना ब्रिज का नज़ारा है। और यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे लोग बाग मौजूद हैं, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी यहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। और ये इधर विशाल जी हैं, ये देख सकते हैं ये दफ्ती में एक अनोखे अंदाज में इन्होंने लिखा है क्या कोई लड़की मेरी जीएफ बनना चाहेगी। और ये इस तरह से यहाँ पर न्यू यमुना ब्रिज में नया वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद थे, तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और एक बार मैं इधर का नज़ारा दिखा दूँ, ये यहाँ से ऊँचाई दिखा दूँ, ये है यमुना नदी, और इसी यमुना नदी पर बना है ये न्यू यमुना ब्रिज। तो यहाँ पर विशाल जी हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए निरंतर, और ये आप देख सकते हैं कि लोग बाग इनके साथ सेल्फी लेते नज़र आ रहे हैं, इनकी फ़ोटो खींचते नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये है विशाल जी। तो आज नया साल 2023 में बिल्कुल कुछ अलग सा देखने को मिला, और जैसा कि बता दूं यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब युवा हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सारे युवा हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोग भी जीएफ तो नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। आप लोग किस लिए खड़े हैं? बस ऑलरेडी ऐसे ही देखने आए विशाल जी। विशाल जी कहना चाह रहे हैं
जी डाली डाली पे जिसने भी नजर डाली सबने बुरी नजर डाली और हमने जिस डाली नजर डाली उसे माली ने काट डाली। और कोई कुछ कहना चाहेगा? तो ये आपने सुना, ये थे विशाल जी। ये देख लीजिए, ये लोगों के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। भाई साहब ये बताइए, ये अपना पहले खान पान सही करें, ठीक है, थोड़ी सी बॉडी सही करें तब तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे। ऐसे ऐसा क्यों लग रहा है? अरे भाई किसी भी लड़की को क्या कमजोर लड़का चाहिए आप बताएं? उसके लिए तो एनर्जी भी चाहिए ना। अब विशाल जी का जो मामला है वो और ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक वकील साहब हैं और ये जो है विशाल जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं विशाल जी को, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बताएं वकील साहब। हम ये कहना चाहते हैं विशाल जी से जी कि विशाल जी पहली बात तो स्वेटर पहन गए हैं, तब तो भाई गर्लफ्रेंड के लिए, नहीं तो गर्लफ्रेंड सोचे कि जब ये अपना ही केयर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी क्या केयर करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, ये वकील साहब कहना है, हम विशाल जी से जानेंगे। विशाल जी आप क्या कह रहे हैं? चाहे स्वेटर हो या ना हो, चाहे तन पे कपड़ा हो ना हो, अगर इंसान की विचार उसकी नीयत अच्छी है तो वो जरूर अपनी केयर करेगा। आप सुन रहे हैं यहाँ पर, अच्छा जवाब सवाल हो रहा है। वकील साहब आप बताएं। देखिए भैया बहुत सही कह रहे हैं, नीयत इनकी बहुत अच्छी है जी। लेकिन लड़कियाँ आजकल की आप लोग देख ही रहे हैं, केवल नीयत से काम चलेगा नहीं। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अगर लड़कियां ऐसा ही सोचती हैं कि बॉडी वाले लड़के, टॉल लड़के, गुड लुकिंग, हैंडसम, पैसे वाले जी, तो भैया भाड़ में जाए ऐसी लड़कियां। तो आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कुछ है, कुछ ऐसे अंदाज है जी, विचारधारा पे हम किसी लड़की को दोष नहीं देना चाहते, ये अपनी अपनी विचारधारा है जो अपने पर लोग रखते हैं। अच्छा एक बार अच्छा चलिए ठीक है, हमारे देश की वो ताकत है, हमारे देश की वो किसी बॉडी बिल्डर से भी लेना देना नहीं है, एक संस्कार जो निभाने की ताकत हो वही निभा सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं वोटिंग करता हूँ। एक बार कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठा के दिखाएं, जितने भी विशाल के समर्थक है वो हाथ उठाएं। आप देख पा रहे होंगे ये जो है ऐसे, और आगे आए और अभी वकील साहब हैं, और वकील साहब की बातों से कितने लोग सहमत है वो हाथ उठाएं। वकील साहब आपसे कोई सहमत नहीं है, तो वकील साहब की बातों से कोई सहमत नहीं है, और एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा विशाल जी की बात से कितने लोग सहमत हैं। ये सारे के सारे लोग तनहा हैं, और तनहा ही सिर्फ तनहा का साथ दे सकता है। तो विशाल जी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ देश में जो कुछ भी हो रहा है, ये टॉपिक तो है ही एक टॉपिक जो भी मैंने लोगों के लिए लगा कि स्माइल आए, बट देश में जो कुछ भी हो रहा है जात पात को लेके, धर्म वर्ण को लेके, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करिए और पॉजिटिविटी फैलाइए आसपास के लोगों में, समाज में, देश में, और इन सब चीज़ों से दूर रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो ये सब धर्म जात पात की बातें करते हैं। चलिए, और सिर्फ प्यार चाहिए लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। सर सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत का होता है, अगर जिसके अंदर इंसानियत है वही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, पहले इंसानियत तक धर्म होता है। तो आप मानते हैं कि विशाल जी गर्लफ्रेंड मिल पाएगी? मिलेगी अगर मिलेगी 100%, क्योंकि इनके संस्कार जो है वो निभाने वाला है, ना किसी लड़की को धोखा देने वाला है। चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि आज नया साल है, नया साल का पहला दिन है, और नए साल के उपलक्ष्य में क्या गिफ्ट के तौर पर इनको गर्लफ्रेंड मिल पाएगी या नहीं। तो इस तरह से आज आप देख रहे थे प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज से। बता दें कि ये तस्वीरें थी नव वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में, बता दें कि आज नव वर्ष 2023 का पहला दिन है, यानी शुरुआती दिन है, तो शुरुआती दिन के अंतराल में यहाँ पर बहुत सारे लोग नव वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद थे। ऐसे में कुछ अनोखे अंदाज में हमारे साथ विशाल जी मौजूद थे जो एक गर्लफ्रेंड की तलाश में थे, इनके हाथ में ये दफ्ती आपने देखा। तो आशा कर दूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई। अरे तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज 24 अपने सहयोगी रोशन के साथ, मैं आर के साथ, हर खबर आप तक।